हाँ भैया बहनों, मैंने आपको ये कविता पढ़कर सुनाई, अब मैं आपको इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से सीखो, नित सीखो शीश झुकाना, नित सीखो शीश झुकाना। यानी फूलों से नित हंसना सीखो, इसका मतलब है कि हमें फूलों से जो है हंसना सीखना चाहिए। यानी सुख और दुख कैसा भी हो, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जिस प्रकार फूल जो है कांटों में भी रहने के बावजूद भी हमेशा मुस्कुराता रहता है, दूसरों को अपनी खुशबू देता रहता है और उससे लोग उसे देखकर जो है आकर्षित होते हैं, इसी प्रकार से हमें भी अपने सुख और दुख में हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, यानी कि भौरे भी आपने देखे होंगे, वो फूलों पर बैठते हैं और घूमते फिरते भी हैं, उड़ते हैं, तो वो जो है हमेशा सुख हो या दुख हो गीत गाते रहते हैं। इस प्रकार से हमें भी सुख और दुख में गीत गाते रहना चाहिए। फल से लदी डालियों से सीखो, नित सीखो शीश झुकाना। जिस प्रकार फल से लदी डालियों से सीखो, यानी कि फल से लदी जो डालियां हैं वो हमेशा कैसा भी फल हो, चाहे आम हो, अमरूद हो, कोई सा भी फल हो, वो जो डाली होती है जिस पर फल लगा हुआ होता वो हमेशा झुकी होती है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो बहुत ज्ञानवान होते हैं, वो किसी भी अपने से बड़ों के पास साथ पास जाते हैं तो वो हमेशा नम्रता का व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से हमें भी फूलों के समान, मतलब फल से लदी डालियों से सीखो, नित सीखो शीश झुकाना, हमें भी इस प्रकार से रहना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना। यानी कि सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना। यानी कि हवा का झोंका, अब आज कल आप देख रहे हैं कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इस भयंकर गर्मी में यदि हमें जरा सा हवा का झोंका मिल जाए तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है और सारा संसार जो दुखमय है, गर्मी से बिलबिला रहा है, वो जो है बहुत खुश हो जाते हैं, हर्षोल्लास हो जाते हैं। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। जिस प्रकार दूध में पानी को मिला दो वो एक समान हो जाता है, इसलिए हमें भी जो है चाहे छोटा हो बड़ा हो सबको अपने समान समझना चाहिए और सबसे मिलना जुलना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। अब जैसे सूरज है, सूरज से हमें क्या सीख मिलती है, सूरज से हमें ये सीख मिलती है कि हम सूरज जो है प्रातःकाल उगता है और शाम के समय अस्त हो जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रतिदिन अपने नियमित, जिस प्रकार सूर्य उदय होता है उसी प्रकार हमें भी जो है अपने को और अपने परिवार को जगाना चाहिए और स्वयं भी जगना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। लता और पेड़, जिस प्रकार छोटे बड़े वृक्ष हों या पेड़ हों या लताएं हैं, वो जो हैं जब मतलब हवा चलती है तो वो सब मिल जाते हैं और सबको, यानी कि आपने देखा होगा बहुत से स्थानों पर कि एक पेड़ उग रहा है, वृक्ष है, और उसके साथ एक बराबर में एक छोटा सा पौधा निकल जाता है और वो पौधा जो है उसके सहारे से उससे लिपटता हुआ आग को बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी अपने छोटों को जो है अपने गले लगाना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो, सबसे प्रेम बढ़ाना। देखिए वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो, जैसा सूखा पड़ रहा है, अब इस समय फसल जो है सूखी हुई है, और जब वर्षा की बूंद जहाँ भी पड़ती है वो अपना एक अलग प्रभाव छोड़ती है, उससे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब अपने आप में एक प्रेम का अनुभव, बढ़ाने का अनुभव करते हैं।
मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना, यानी कि मेहंदी जिस प्रकार से किसी के भी हाथ में लगा दी जाए, चाहे गोरा हो काला हो या कोई कपड़ा हो या किसी पे भी यदि मेहंदी लगा दी जाए तो वो अपना प्रभाव छोड़ती है, इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जो भी हैं वो अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि वो उनकी वाणी का प्रभाव जो है सभी लोगों पर पड़े। इस प्रकार से ये कविता का मैंने जो है अर्थ बताया और आप जो है कविता को आप याद करेंगे और घर से लिख के लाएंगे। भैया बहनों, मैंने आपको ये कविता पढ़ाई और इसका अर्थ भी बताया, अब आप इसके शब्दार्थ लिखेंगे। नित, नित माने हमेशा, विद्या, विद्या का मतलब है ज्ञान, उत्तम सबसे अच्छा, चरित्र व्यवहार, पथ रास्ता, स्वदेश अपना देश, ये शब्दार्थ हुए इस पाठ के। आप इन्हें भी लिख लेंगे और इन्हें याद करके लाएंगे। हाँ भैया बहनों, मैंने आपको जो है ये कविता सुनाई, इसका अर्थ बताया और ये शब्दार्थ लिखा दिए। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भिजवा दूँगा।